आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू KTM Duke 200 के बारे में, क्योंकि यही 2024 KTM Duke 200 है। क्यों, कैसे, क्या फीचर्स है, हर एक चीज़ पर बात करेंगे। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहला काम करना है आपको इस वीडियो को लाइक करना है और बताना है कि आपकी फेवरेट KTM की बाइक कौन सी है और आपको KTM Duke 200 क्यों पसंद है, मतलब इसका कौन सा फीचर सबसे पसंद है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। प्राइस जो हो चुका है इस बाइक का 2,30,000 रुपये हो चुका है, 2,30,000 रुपीज ऑन रोड जयपुर की मैं प्राइस बता रहा हूँ यहाँ पर, जो प्राइस में आपको एग्जैक्टली बताई। कुछ इस प्रकार से आपको जो है ओवरऑल लुक देखने को मिलता है ना, आप देख सकते हैं कितना एक स्लीक शानदार बढ़िया लुक है। नई बाइक्स न्यू डिजाइन आने के बाद जो है लोगों को ये वाला डिजाइन और ज्यादा पसंद आ रहा है, बिकॉज ये वाला जो डिजाइन है इसके साथ लोग काफी ज्यादा कनेक्टेड फील करते थे, बिकॉज ड्यूक 250 ड्यूक 390 जो पहले आती थी वो इसी लुक किसी डिजाइन के साथ आती थी, एंड बहुत शानदार लगता है ये डिजाइन। अनडाउटेडली बहुत ही एक्सक्लूसिव और अमेजिंग लुकिंग डिजाइन है ये वाला। KTM डेफिनेटली ड्यूक 200 का लुक शायद यहाँ पर चेंज करना चाहिए इन फ्यूचर में, बट अभी जो है ये वाला लुक आता है। ये वाली लेटेस्ट बाइक अभी आती है KTM ड्यूक 200, इस बाइक का नाम है KTM की तरफ से बनाई जाती है। यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस के साथ स्टार्ट करते हैं, उसके पहले मैं आपको पेंट स्कीम जो है कलर दिखाता हूँ। पीछे आपको कुछ प्रकार से ऑरेंज कलर के अंदर बाइक देखने को मिलेगी KTM की बैजिंग के साथ साथ में। यहाँ पर जो है ड्यूक 200 की आपको बैजिंग देखने को मिलेगी, दो कलर्स के अंदर ही आती है अभी भी ये बाइक, सिल्वर और जो है जो एक ग्रे कलर है और जो ऑरेंज कलर है। बाकी फिट एंड फिनिश काफी बढ़िया है, यहाँ पर आपको पेंट क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। E20 का यहाँ पर स्टिकर भी आता है एंड कुछ इस प्रकार से ओवरऑल BS6 फेज 2 कंप्लाइंट बाइक आपको देखने को मिलती है। फटाफट स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। 17 इंच का अलॉय व्हील आता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर जो है 110/70 सेक्शन का टायर है, 300 mm का डिस्क आता है, बाइब्रेक कैलिपर्स के साथ अपसाइड डाउन सस्पेंशन सिस्टम आता है। यहाँ पर जो है आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं, कंप्लीट LED हेडलाइट क्लस्टर है विद LED DRLs एंड LED इंडिकेटर्स। यहाँ पर जो आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलता है 13.4 लीटर्स का देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस प्रकार से आता है, काफ़ी अच्छा एक शानदार हैंडल बार आता है, बटन आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। यहाँ पर आपको क्वालिटी जो है बटन की काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। साथ में स्प्लिट सीट आती है, स्पेसिंग काफ़ी डिसेंट है, राइडर की पिलियन की काफ़ी आपको एक ठीक ठाक सिटी राइड के हिसाब से स्पेसिंग अच्छी देखने को मिल जाती है। इंजन जो है 199.5 सीसी का इंजन आता है, काफ़ी अच्छी पावर आउटपुट है, 35 km/L का बाइक माइलेज देती है। यहाँ पर जो इंजन रिफाइनमेंट वो अच्छी है, हीट नहीं करता है इंजन। यहाँ पर जो है आपको काफ़ी एक अच्छा गियर शिफ्ट, गियर स्मूथनेस देखने को मिलता है। 6 गियर आते हैं बाइक के अंदर, 1 डाउन 5 अप। रियर मोनोशॉक देखने को मिलता है सेंटर के अंदर। पीछे जो डिस्क ब्रेक आता है 230 mm का आता है, 150 सेक्शन का टायर आता है, बहुत बढ़िया यहाँ पर। एंड जो पीछे टेल लाइट आती है कुछ इस प्रकार से आती है। यहाँ पर जो है आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं फ्लेक्सिबल वाले, एंड नंबर प्लेट लाइट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर। बाकी बाइक के अंदर मेजर ऐसा कोई चेंज नहीं है, सेम वही आपको लुक डिज़ाइन देखने को मिलता है। डुअल चैनल एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम आती है इस बाइक के अंदर, जो कि बहुत बढ़िया है। एंड ओवरऑल लुक जो है मेजरली वो सबसे प्यार आपको देखने को मिलता है यहाँ पर ड्यूक 200 के अंदर। आप देख सकते हैं कितनी अल्टीमेट और शानदार यहाँ पर आपको बाइक देखने को मिलती है। ऑल न्यू वेरियंट है, ऑल न्यू वर्जन है ये। अभी कुछ टाइम तक तो मुझे लगता है यही वाला लुक, यही वाला डिज़ाइन आने वाला है, बट हाँ हाल ही में यहाँ पर जो है कुछ फोटोज़ वगैरह मैंने देखी थी, बट ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इन फ्यूचर कुछ टाइम के बाद जो है इसका डिज़ाइन भी KTM यहाँ पर चेंज कर सकती है, जैसे कि ड्यूक 200 ड्यूक 390 दोनों का चेंज किया है। बट अभी ये बाइक आ रही है, अभी ये बाइक आप ले सकते हैं डेफिनेटली। 2,30,000 रुपये प्राइस है, जनवरी से इस बाइक का प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो डेफिनेटली अभी आप दिसंबर में अगर ये बाइक लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बिकॉज प्राइस जो है इसका शायद से जनवरी में बढ़ जाए, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं, बिकॉज न्यू ईयर पर सारी बाइक का प्राइस वैसे भी बढ़ ही जाता है। एंड उम्मीद करते हैं कि इस बाइक का प्राइस भी जहाँ तक है बढ़ने ही वाला है। रियर में आपको कुछ इस प्रकार से आपको दिखाता हूँ, एक तो स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम आता है इस बाइक के अंदर, साथ में स्विंग आर्म बहुत अच्छा आता है, ब्रेक्स बहुत प्यारे हैं इस बाइक के, सिटी के लिए अच्छी है, यहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छी बाइक है। डेफिनेटली इस बाइक को आप कितना भी लंबा कहीं भी राइड कर सकते हो, इतना यहाँ पर जो है आपको इस बाइक के अंदर कैपेबिलिटी देखने को मिलती है। साथ में सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, अपसाइड डाउन आता है WP का, कंफर्टेबल सस्पेंशन सिस्टम है यहाँ पर, ब्रेक्स अच्छे, मैंने बताया आपको, इंजन रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है, बाइक की सर्विस कॉस्ट बहुत कम है, आराम से जो बाइक है 1,500-2,000 रुपये में सर्विस हो जाती है। यहाँ पर माइलेज अच्छा है, तो एक जो रनिंग कॉस्ट है आपको बढ़िया देखने को मिलती है। बाकी वैल्यू फॉर मनी बाइक है, बिकॉज पॉकेट में ज़्यादा भारी नहीं पड़ती है, ज़्यादा आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी इस बाइक को पालने में एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स जो इंडियन मार्केट में आती है। वहीं ये बाइक आपके लिए जो है एक काफ़ी बढ़िया बाइक रहने वाली है फॉर इंडियन मार्केट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें। बाकी यही आपको जो है नया वर्जन न्यू लुक देखने को मिलता है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, यहाँ पर एक स्टैंड आता है, इंजन गार्ड को जिस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, सीट की स्पेसिंग बहुत अच्छी है, कंफर्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, कुशनिंग बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलती है। एंड अभी भी ये बाइक एक बहुत अच्छी बाइक है, बट हाँ अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टेक चाहिए
एक जो है डिफरेंट लुक चाहिए उसके लिए यू कैन डेफिनेटली गो विद द ड्यूक 250 एनी डे। 2,87,000 रुपीज प्राइस है इस वाली बाइक का। बाकी आपको यहाँ पर KTM भी पूरी लाइन में कौन सी वाली बाइक सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए। साथ में पहले कहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिख रहा है थॉट्स। मिलते हैं आपसे वीडियो में, थैंक्स फॉर पार्टी, सी यू नेक्स्ट। बाय।